तो आप सभी को बताना चाहता हूँ एक अपडेट के बारे में। देखिए, सीजीपीएससी में पहले से बवाल हुआ था कि सीजीपीएससी का रिज़ल्ट जो है ठीक से जारी नहीं किया गया, सिलेक्शन सुनी स्टूडेंट्स का हो पाया जिनके रिलेटिव जो है एक बड़े पोस्ट पर या जो सांसद के बेटे या फिर विधायक, ये आरोप जो है सीजीपीएससी पर लगा और सीजीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी और उनके नार्को टेस्ट और उनको जो है बर्खास्त करने की कवायद जो है किया गया। अब आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार जो है अब मामला क्या है। तो सीजी व्यापम को लेकर इसमें एक आंकड़ा ये चीज़ निकल कर आ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर भर्ती होना है, आज जो है आपके 2 जून को जो है रिज़ल्ट जारी किया गया है आपके शिक्षक का, सहायक शिक्षक के और व्याख्याता भर्ती परीक्षा का। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि 99 स्टूडेंट, जी हाँ, 99 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, वो एग्ज़ाम्स में परीक्षा हाल में उपस्थित ही नहीं थे और उनको उपस्थिति चढ़ा दिया गया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनकी सिर्फ उपस्थिति ही नहीं, उनको पास भी कर दिया गया और वो शिक्षक बन गए। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? और तो इन्हीं कारणों को लेकर जो है प्रेस विज्ञापित जो है सीजी व्यापम के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा के दिन व्यापम द्वारा परीक्षा में अनुमानित उपस्थिति की जानकारी परीक्षा केंद्रों से दूरभाष पर प्राप्त की जाती है और उसी के अनुसार शाम को प्रेस विज्ञापित द्वारा परीक्षा में उपस्थिति की जानकारी दी जाती है। परीक्षा के उपरांत वे मार्कशीट के साथ प्रत्येक परीक्षा केंद्र के वास्तविक उपस्थिति शीट की केंद्राध्यक्ष से हस्ताक्षरित जानकारी प्राप्त की जाती है। केंद्राध्यक्ष से प्राप्त हस्ताक्षरित जानकारी की ही उपस्थिति की वास्तविक जो है जानकारी होती है। कुछ लोगों द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि व्यापम द्वारा परीक्षा के दिन जारी किए गए उपस्थिति की संख्या व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के प्रारंभिक सूची में अभ्यर्थियों की संख्या में कुछ भिन्नता है। यही कारण है क्योंकि परीक्षा के दिन केवल दूरभाष पर एकत्रित जानकारी के आधार पर उपस्थिति की प्रेस विज्ञापित जारी कर दी गई थी, जो केवल अनुमानित उपस्थिति थी, जबकि परीक्षा परिणाम वास्तव परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की OMR शीट को जो है स्कैन करके तैयार किया जाता है। इसलिए परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या उपस्थिति की वास्तविक संख्या है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। यानी कि जो है व्यापम ने साफ तौर पर ये चीज़ क्लियर किया है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनकी उपस्थिति छूट जाता है और वैसे भी इतने परीक्षा केंद्र जो है बनाए जाते हैं और इतने लाख स्टूडेंट जो है लाख डेढ़ लाख स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम्स में बैठे तो कोई छूट जाता है। लेकिन अंतिम जो चीज़ रहता है, अंतिम जो फैसला जिसको चेक किया जाता है वो रहता है आपका OMR शीट। अगर OMR शीट को चेक किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो है उपस्थिति तैयार होता है। तो ये साफ तौर पर बोला गया है और सीजी व्यापम में जितने भी भर्ती परीक्षा होते हैं वो सभी अच्छे से होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में जाँच पड़ताल किया जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो 99 लोग पास हुए हैं वो अपने काबिलियत के बलबूते पर पास हुए हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बहुत अच्छे हैं, हर एक काम उनके द्वारा अच्छे से किया जाता है। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो, जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, और इसी तरह से नए नए वीडियोस मेरे चैनल्स पर जो है मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में।